Hodge. मुझे लगा कि तुम मेरी बीवी हो, मतलब ये तुम हो तुम। इट्स ओके। एक्चुअली कभी कभी ऐसे अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। सॉरी, इट्स नॉट ऑल राइट। चलिए जाइए, आप अपने काम कीजिए। क्या, अरे मुझे लगा तुम बैठी हो यार, ये थोड़ी मालूम था कोई और। ठरकी हो ठरकी, कैसे हो गया ये सब कुछ? हाँ ठरकी तो मैं हूँ, पर ठरक तो चढ़ रही है। देख वाइड में बोला था एक मिनट। सुनो पूरे मेरे अंदर की शक्ति को भिजवा दिया। देख ओके तड़क भड़क चल रही थी अंदर। अभी रोले? क्या हाँ रोल नहीं नहीं रोल नहीं रोल रोल टीम के बारे में बताइए। क्योंकि आज रमन किसी और कोई ना, वो रमन को बस बहाना चाहिए दूसरी लड़कियों को छोड़ने का। नहीं नहीं, ऐसा हर लड़की को लगता है कि उनके पति बाहर जाके ऐसे ही करता है हरकतें, लेकिन नहीं रमन ऐसे है नहीं। लेकिन अब क्या करें, कंफ्यूजन में हाथ साफ हो गए। कुछ नहीं, लड़की आई हुई थी किसी ऑडिशन के लिए, बेसिकली आधी एक फिल्म बना रहा है। सो ऑडिशन के लिए आई थी लड़की एंड रमन ने समझा कि वो मैं हूँ और जाके उसे हग कर लिया। लेकिन फिर क्योंकि उन्होंने देखा कि इशिता जल रही है तो मुझे और जलाया भर भर। तो आजकल चली गई है, आजकल रमन है जो हमसे रोमांस की मूवियाँ रहती है। नहीं नहीं बिल्कुल नोकझोंक हो रही है, रोमांस होता है। क्या करें, मतलब ऐसा क्या शादी कर दिया इसी तरह। कोई जादू नहीं किया, अभी 1.5 साल तक कोई फर्स्ट नाइट तो हुई नहीं है ना हमारी। इशरा रोमांस ही ऐसा है, 1.5 साल तक मोहब्बत ही नहीं शुरू हुई है। बेचारे रमन यही तो करेंगे और क्या करेंगे। अपनी दीदी पे लाइन मार रहे हैं रमन, ऐसा कहीं देखा है कहीं? मतलब फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ पहली पहली बार। रमन को किसी और को अपनी बाहों में लेता दे, कितनी जेलसी फील हुई इशिता को। इशिता वॉज वेरी जेलस, वेरी जेलस। इशिता इज अ वेरी पॉजिटिव वुमन, तमिलियन, वन मैन वुमन काइंड, ऐसी औरत है कि एक ही लाइक हस्बैंड कहीं और नहीं जाना चाहिए एंड ऑल। शी वेरी पॉजिटिव, सो ऑब्वियसली शी वाज वेरी एंग्री। इशिता अपनी फैंस से क्या कहना चाहिए? मेरी फैंस से कहूँगी कि आप लोग बने हुए हो, सीरियल देख रहे हो, मुझे व्हील चेयर पर झेल रहे हो, उसके लिए थैंक यू। अरे हाँ अभी मैं कहीं जाती हूँ ना मॉल वॉल या कहीं भी मम्मा लोग के साथ, आई हियर पीपल सेइंग
अरे अभी तक तीन छः जल्दी निकल जाना चाहिए क्लास छुट्टे जल्दी। बट फ्रैंकली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड कितने साल हो गए हैं, क्योंकि सीरियल्स में क्या होता है ट्रैक आता है कोई भी और एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। बट ये रियल लाइफ है एंड मुझे इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे पीपल सेंड मी मैसेजेस कि लास्टेड इतने दिन थोड़ी ना रहता है एंड आई एम लाइक कितने दिन रहता है। लेकिन आई स्पोक टू माय डॉक्टर टुडे एंड ही इज लाइक कौन गधा कहता है कि प्लास्टर जल्दी निकल जाता है, छोटा फ्रैक्चर भी हो तो भी छः हफ्ता रहता है। तो आपका तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, ही शोड मी आज MR जो CT स्कैन था दिखाया है, ऐसे बड़े बड़े क्रैक्स हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। जी सर आपका तो मल्टीपल है तो आपका तो छः हफ्ता रहेगा ही। उन्होंने बड़े प्यार से निकाला, एक्सरे किया और वापस लगा दिया मेरा प्लास्टर। तो लाइक सुपर सैड राइट नाउ एंड वापस दो हफ्ते और जाएगा शायद ऐसे ही। उन्होंने कहा कि धीरे प्रेशर डालना है, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, ही नोज मी लाइक नो डांसिंग। आई वाज लाइक प्लानिंग फॉर झलक, झलक कर सके लाइक नो वे भूल जाओ अभी सब कुछ, करण की शादी में भी नहीं नाचना है। हम देखते हैं क्या करेंगे, झेलो मुझे ऐसे ही। स्टॉप मूवी देखने का काफी शौकीन है, कौन सी मूवी, तीन अपकमिंग मूवी कौन सी देखनी चाहिए, देखना चाहेंगे आप? आई थिंक दिस वन मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी। मैं शायद जाऊंगी ऐसी प्लास्टर मूवी देख कर आऊंगी, दैट वन। मुझे लगा कि तुम मेरी वीडियो मतलब ये तो वो तुम इट्स ओके एक्चुअली कभी-कभी ऐसे अच्छे फील हो जाते हैं। सॉरी इट्स नॉट ऑल राइट, चलिए जाइए आप अपना काम कीजिए। क्या अरे मुझे लगा तुम बैठी हो यार, ये थोड़ी मन लग गया है काफी तड़क भड़क चल रही थी अंदर। अभी रोले क्या? हाँ रोल 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 सीन के बारे में बताइए। क्योंकि आज रमन किसी और को है ना, वो रमन को बस बहाना चाहिए दूसरी लड़कियों को छोड़ने का। नहीं नहीं ऐसा हर लड़की को लगता है कि उनके पति बाहर जाके ऐसे ही करता है हरकतें, लेकिन नहीं रमन ऐसे है नहीं। लेकिन अब क्या करें, कंफ्यूजन में हाथ साफ हो गए। कुछ नहीं, लड़की आई हुई थी किसी ऑडिशन के लिए, बेसिकली आदि एक फिल्म बना रहा है। सो ऑडिशन के लिए आई थी लड़की एंड रमन ने समझा कि वो मैं हूँ और जाके उसे हक कर लिया। लेकिन फिर क्योंकि उन्होंने देखा कि ईशिता जल रही है तो मुझे और जलाया भर भर। आजकल आजकल के दिन जैसे मूवी हो एकदम चली गई है, आजकल रमन है जो हमसे ना रोमांस की मूवियाँ रहती है। नहीं नहीं बिल्कुल नोकझोंक हो रही है, के बीच में बहुत सारा रोमांस होता है, रोमांस होता है। अब क्या करें मतलब ऐसा क्या शादी कर दिया ईशिता ने, कोई जादू नहीं किया। अभी 1.5 साल तक कोई फर्स्ट नाइट तो हुई नहीं है ना हमारी। इशरा रोमांस ही ऐसा है, 1.5 साल तक मोहब्बत ही नहीं शुरू हुई है। बेचारे रमन यही तो करेंगे और क्या करेंगे, अपनी दीदी पे लाइन मार रहे हैं रमन। अच्छा कहीं देखा है कहीं, मतलब फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ पहली बार। रमन को किसी और को अपनी बाहों में लेटा दे, कितनी जेलसी फील हुई इशरा को? ईशिता वॉज वेरी जेलस, वेरी जेलस। ईशिता इज अ वेरी पॉजिटिव वुमन, तमिलियन, वन मैन वुमन काइंड, ऐसी औरत है कि एक ही लाइक हस्बैंड कहीं और नहीं जाना चाहिए एंड ऑल, शी वेरी पॉजिटिव। सो ऑब्वियसली शी वाज वेरी एंगी। ईशिता अपने फैंस को क्या कहना चाहिए? मेरे फैंस से कहूँगी कि आप लोग बने हुए हो, सीरियल देख रहे हो, मुझे व्हील चेयर पर झेल रहे हो, उसके लिए थैंक यू। अरे हाँ अभी मैं कहीं जाती हूँ ना मॉल वॉल या कहीं भी मम्मा लोग के साथ, आई हियर पीपल सेइंग अरे अभी तक तीन छः पे जल्दी निकल जाना चाहिए क्लास छुट्टी जल्दी। बट फ्रैंकली मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड कितने साल हो गए हैं, क्योंकि सीरियल्स में क्या होता है ट्रैक आता है कोई भी और एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है।
बट ये रियल लाइफ है एंड मुझे इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे पीपल सेंड मी मैसेजेस की प्लास्टर इतने दिन थोड़ी ना रहता है कितने दिन रहता है. लेकिन आई स्पोक टू माय डॉक्टर टुडे एंड ही लाइक कौन गधा कहता है कि प्लास्टर जल्दी निकल जाता है, छोटा फ्रैक्चर भी हो तो भी 6 हफ्ता रहता है. तो आपका तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए ही शोर में. आज MR जो CT स्कैन था दिखाया है, बड़े बड़े क्रैक्स हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं. जी सर आपका तो मल्टीपल है तो आपका तो 6 हफ्ता रहेगा ही. उन्होंने बड़े प्यार से निकाला, एक्सरे किया और वापस लगा दिया मेरा प्लास्टर. तो लाइक सुपर सैड राइट नाउ एंड वापस 2 हफ्ते और जाएगा शायद. ऐसे ही उन्होंने कहा कि धीरे प्रेशर डालना है, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, ही नोज मी लाइक नो डांसिंग. आई वाज लाइक प्लानिंग फॉर झलक, झलक कर सके लाइक नो वे भूल जाओ अभी सब कुछ, करण की शादी में भी नहीं नाचना है. हम देखते हैं क्या करेंगे, झेलो मुझे ऐसे प्रे. स्टॉप मूवी देखने का काफी शौकीन है, कौन सी मूवी, 3 अपकमिंग मूवी कौन सी देखनी चाहिए, देखना चाहेंगे आप? आई थिंक दिस वन मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी. मैं शायद जाऊंगी ऐसी प्लास्टर मूवी देख कर आऊंगी, दैट वन. एंड और कौन सी आ रही है? दिल धड़कने दो. रणवीर सिंह जी का अच्छा हां देखूंगी. प्रेम रतन धन पायो, सलमान बजरंगी, हाँ वो भी देखूंगी, सारी देखूंगी. और 3 मैंने पूछा उनके नाम है. चलो ये मैंने सारे एड इन मार्गरिटा वाले के देखे, बाकी बजरंगी भाईजान के मैंने बहुत ऐड देखे, वो भी देखूंगी. और ये जो अभी रणवीर वाली कौन सी है? अभी आप लास्ट में अभी देखने गई थी कोई पिक्चर? मैंने लास्ट देखी सिंड्रेला. ओहो आई लव्ड इट, सो क्यूट. फन में आप थे वहाँ पे ना? मैं वहाँ पे था. ओ यस, तो मैं वहाँ पे कोई और देख रही थी उस दिन. उस दिन मुझे दोबारा स्प्रेन आ गया था पैर में. उस दिन मैं उछल उछल के कूद कूद के जा रही थी और मेरा पैर फिर मुड़ गया जमीन पे. बिल्कुल उस समय मुझे ताज़ा ताज़ा लगा ही था. और आपने मुझसे एंड और कौन सी आ रही है? रणवीर सिंह जी का अच्छा हाँ देखूंगी. प्रेम रतन धन पायो, सलमान बजरंगी, हाँ वो भी देखूंगी, सारी देखूंगी. और 3 मैंने पूछा उनके नाम है. चलो ये मैंने सारे एड इन मार्गरिटा वाले के देखे, बाकी बजरंगी भाईजान के मैंने बहुत ऐड देखे, वो भी देखूंगी. और ये जो अभी रणवीर वाली कौन सी है? अभी आप लास्ट में अभी देखने गई थी कोई पिक्चर? मैंने लास्ट देखी सिंड्रेला. ओहो आई लव्ड इट, सो क्यूट. फन में आप थे वहाँ पे ना? मैं वहाँ पे था. ओह यस, तो मैं वहाँ पे कोई और देख रही थी उस दिन. उस दिन मुझे दोबारा स्प्रेन आ गया था पैर में. उस दिन मैं उछल उछल के कूद कूद के जा रही थी और मेरा पैर फिर मुड़ गया जमीन पे. धाराशाही. बिल्कुल उस समय मुझे ताज़ा ताज़ा लगा ही था. और आपने मुझसे